गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, टुडे के बारे में पढ़ा था ना। टुडे जो चैप्टर था हमारा, उसके बारे में पढ़ा था। अब हमको क्या करना है, उसके जो हमको टिक द करेक्ट मेथड कॉलम्स इन द लेंथ यानी जितनी भी एक्सरसाइज हुई वो सॉल्व करनी है। हम स्टार्ट करें, चलें। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टिक द करेक्ट आंसर यानी जो हमको क्वेश्चन दिए उनके जो हमको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो राइट आंसर है उसको हमको क्या करना है, टिक करना है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द डे बिगिंस व्हेन द सन, जो हमारी दिन की शुरुआत कब होती है, जब सन राइज होता है यानी सूर्य उगता है, या सनसेट यानी जब सूर्य डूब जाता है यानी जब सूर्य आता है तब हमारी दिन की शुरुआत होती है, या सूर्य जाता है तब कब होती है, सूर्य के आने पर होती है, तो क्या हो जाएगा, राइजेज। देन सेकेंड दे रखा है, व्हाट बियर्स आउट द इंटरनिटी, तो क्या लगता है इंटरनिटी, डे या नाइट, तो क्या आंसर रह जाएगा, डे। तो ये हमारे टिक द करेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट दे रखा हमको मैच द कॉलम, ठीक है, इसमें हमको जो राइट आंसर उससे मैच करना है। तो स्टार्ट करें हम, जो हमने पोएम पढ़ी उसी के बेस पर है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, बिहोल्ड इट अ फोर टाइम, ठीक है। फिर दे रखा है, नो आई एवर डीड, देन देखा है, सो सून इट फॉर एवर, फॉर फ्रॉम ऑल आईज इन हीड, देन हियर हाथ बीन डॉविंग। तो इस तरह से हमारी मेज कॉलम भी कंप्लीट हो गई है ना। अब जो नेक्स्ट क्या दिया हमको, नेक्स्ट दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ दिए हुए हैं। और इस बार आपसे उनको ऑप्शंस भी नहीं दिए, अब आपको होनी चाहिए पोएम याद, तभी हम कर पाएंगे इसको सॉल्व। तो स्टार्ट करें, सबसे पहला दे रखा है, सो हियर इन द ब्लैंक्स बीन डॉविंग, तो क्या पढ़ा था हमने, सो हियर हैज बीन डॉविंग। देन दे रखा है, अनोदर इन द ब्लैंक्स डे, तो अनोदर ब्लू डे। देन देख रखा है, स्लीप क्लीन द ब्लैंक्स अवे, तो स्लीप यूजलेस अवे, तो स्लीप यूजलेस अवे, है ना, इसको ढंग से कोमा लगा के। ये दे रखा है, दीज क्लीन द ब्लैंक्स डे इज बॉर्न, दीज न्यू डे इज बॉर्न, एट क्लीन द ब्लैंक्स विल रिटर्न, एट नाइट विल रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है और बाकी जो हमको एक्सरसाइज दी हुई है वो हम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। इतना आपको अभी नोट कर लेना है, ठीक, थैंक यू।